सारदावाणी के साथ कला है ऑनलाइन कक्षा में मैं बैठा हूँ आपका स्वागत है अभिनंदन कक्षा पांच में विषय अंग्रेजी आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन प्रोनाउन का दूसरा भाग है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दूसरा भाग कौन सा है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका हिंदी भाग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कोई भी वस्तु चीज निश्चित होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और संकेत से भी कोई बता के वो भी पढ़ेंगे इसके आज प्रोनाउन में दिस दे दी और दोज इसका प्रयोग पढ़ेंगे दिस यानी क्या होता है छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं अब हम पंचमी का कक्षा का ये अध्ययन करेंगे पार्ट के अंदर प्रोनाउन के बारे में तो दिस यानी ये होता है देट यानी वह होता है दीज यानी ये होता है दोज यानी वह होता है तो हमारे को एक चीज़ पहले ध्यान में होनी चाहिए कि किस प्रकार कैसे शब्दों का प्रयोग होता है दिस डेट दीज और दोज का अर्थ भी हमारे को आना चाहिए टी एच आई एस दिस मीन्स ये टी एच ए टी डेट यानी वह टी एच ई एस ई दीज यानी ये टी एच ओ एस ई दोज यानी वे ठीक है ये चारों शब्द हमारे को ध्यान में रखना है ठीक है आगे हम चलेंगे इसका उदाहरण लेते हैं पहले पहला उदाहरण है इसका जिसका प्रयोग करने के लिए हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन ठीक है कोई भी वस्तु हमारे पास में है उसमें हम प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य देखिए दिस इज ए पेन ठीक है दिस इज ए पेन इसका अर्थ क्या हो गया यह एक पेन है जैसे ये मेरे पास पेन है तो हमने पहले क्या पढ़ा पास की वस्तु के लिए हम क्या करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे ये मेरे पास पेन है पास में मतलब मैं बता रहा हूँ दिस इज ए पेन तो ये एक पेन है तो इसमें हमारे को क्या करना है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में ध्यान में रखना इज आर एम मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इज का प्रयोग होता है तो हम क्या करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के अंदर ठीक है दूसरा इसी प्रकार है दिस इज ए ब्लैक बोर्ड ठीक है तो ये दिस यानी क्या होता है ये हमारे को ध्यान में होना चाहिए ये क्या है ब्लैक बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है ना तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हुआ है तो इसमें हमारे थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि इस आया है तो हम क्या प्रयोग करेंगे दिस का प्रयोग दिस लगाएंगे ठीक है तो दूसरा इसी प्रकार है दूर के लिए पहला क्या था पास में कोई वस्तु पास में होती है उसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे इसका और देट का कब करेंगे सिंगुलर नाउन दूर के लिए कोई भी दूर की चीज वस्तु पेड़ पौधे मतलब कोई भी किसी का संकेत करने के लिए हम क्या बताएंगे देट इज ए ट्री वह एक क्या है पेड़ है मैं हाथ से बता दें वह एक पेड़ है तो इसके अंदर देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है तो हमारे को कोई भी प्रोनाउन के बारे में बताएं तो हमारे को देट का उपयोग करना है प्रयोग करना है देट इज ए प्ले ग्राउंड वह एक क्या है खेल का मैदान है तो इसके अंदर हमने वह का उपयोग किया मतलब वह प्रयोग किया वह अब है आगे हम तीन नंबर का पढ़ेंगे टीच प्लूरल नाउन पास नाउन प्लूरल का मतलब क्या होता है बहुवचन होता है लेकिन दीज का उपयोग प्रयोग करना साथ में दीज का क्या करना है प्रयोग करना है प्लूरल नाउन के अंदर पास में कोई भी प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन ठीक है और दीज का हमने पहले भी समझा था यह ठीक है तो साथ में हमारे को क्या ध्यान होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है आर तो दीज आर चेयर्स वे क्या खुशियां ठीक है तो हमारे को ध्यान में रखना है हम कोई भी प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे दीज का लगेंगे फिर है दीज आर मेन तो वे आदमी है तो ये आर आ गया तो हमारे क्या करना है दीज का प्रयोग करना है तो इस प्रकार तीसरा रूल हो गया एक था दीज का अब चौथा है दोज दोज यानी प्लूरल नाउन टूर के लिए ठीक है तो इसके अंदर दीज तो ये होता है दोज यानी वे होता है दोज यानी वे दोजन और अंदर टूर के लिए ठीक है दोज आर बॉयज दोज आर बॉयज ठीक है वे लड़के हैं पहले हमें क्या कहता है यह लड़के हैं अब क्या है वे लड़के हैं बहुवचन ठीक है ना टूर के लिए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ दोज का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार आगे हम क्या करते हैं प्रैक्टिस वर्क करेंगे मतलब उसका अध्ययन आगे जो है ना ग्रे का अध्ययन करेंगे कक्षा का कार्य हमने बताया कक्षा का हमने क्या बताया दिस डेट दिस दोज चारों का प्रयोग करना हमारे वाला चीज का अर्थ भी ध्यान में होना चाहिए और साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी ध्यान में रखना इच आर एम ठीक है तो क्या है यू दिस
दिस इन द लंच, तो इस अंदर क्या है, इज ए टीचर, ठीक है। तो हमारे को पहले शुरुआत में क्या करना है, इसका अर्थ क्या होता है वो ध्यान रखना है, इसका क्या होता है वो ध्यान में रखना है। तो भी सेम ये होता है, ये तो हमारे को समझ में आ गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस क्या है एलपी वर्ब है, इस क्या है एलपी वर्ब है, तो इसके अंदर हमारे को ध्यान में आना चाहिए क्या है। हमने पहले ये चार रूल बताया ना, एक दो तीन और चार, इसके अंदर हमने बताया था एलपी वर्ब आते ही दिस या दोज का उपयोग किस प्रकार करना है। तो इसमें आर गर्ल्स, वे है लड़कियां, हमारा लड़कियां नाम है और आर शब्द है, तो हमारे इस खास में क्या करना है वो ध्यान में रखना है। यूज देट दोज इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आगे ये भी इसी प्रकार है, अर्थ हमारे को ध्यान में होगा तो हम इज आर को पहचान कर आगे का अर्थ समझ के इस खास में बच सकते हैं। तो हमने आज प्रोनाउन का डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, ठीक है। यह आप कक्षा का एक कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।